वेलकम बैक गाइज, आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में वापस। तो गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे दोस्तों आप अपने पबजी मोबाइल लाइट को अपडेट कर सकते हो, पेलोड मोड अपडेट कर सकते हो अपने पबजी मोबाइल लाइट के अंदर। क्योंकि भाई 10 तारीख हो चुकी है लेकिन पेलोड मोड आपका डायरेक्टली नहीं आया, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। प्लस जो मेथड इसमें मैं बताने वाला हूँ उससे गाइज आपके कंट्रोल वगैरह रिसेट नहीं होंगे और आप इजिली से अपडेट कर सकते हो अपने पबजी मोबाइल लाइट को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की यही रहती है कि मेरे कंट्रोल रीसेट हो गया, अगर मैं किसी भी थर्ड पार्टी वगैरह से दोबारा इंस्टॉल करता हूँ कंट्रोल रीसेट हो गया, सेंसिटिविटी खराब हो गई। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अगर स्किप किया एक भी स्टेप तो भाई फिर नहीं हो पाएगा, फिर आप मेरे को मत बोलना, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोज आपको डेली मिल सके, ठीक है। तो दो मेथड बताऊंगा, दोनों ही यूजफुल है, ठीक है। बाकी स्टेप आप सारे फॉलो करना, तभी वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Yeah, don't know the game. You keep mentioning my name. We don't like what you say. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा एपीके प्योर का, ठीक है, वहाँ से आप अपने गेम को इंस्टॉल करें। लेकिन अभी दोस्तों मत करना, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे भाई अभी से अपडेट आ गया, लेकिन भाई आज शाम या फिर कल सुबह तक आपको अपडेट देखने को मिलेगा पेलोड मोड का, या तो डायरेक्टली इवेंट के थ्रू आपके गेम के अंदर देखने को मिलेगा। अगर प्ले स्टोर पर अपडेट आया तो मैं आपको बताऊंगा सिंपल मेथड कैसे आपको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है, उसके लिए ना कुछ नहीं करना होगा, एक सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले एपीके प्योर से अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सेकंड मेथड मैं आपको बता देता हूँ जो कि काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है, अगर प्ले स्टोर पर एक छोटा 10-20 एमबी का अपडेट आता है तो। क्योंकि जब पेलोड मोड आया था तो एक इवेंट के थ्रू आया था, आप सभी को पता हो गया, तो आपके मोबाइल में मतलब डायरेक्टली आ जाएगा आपके गेम के अंदर। अगर प्ले स्टोर पर अपडेट आता है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं सिंपल स्टेप्स। तो उसके बाद गाइस मैं आपको 3 VPN के लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, तीनों फ्री हैं, ठीक है। तो आपको ना रशिया से कनेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है। ये मेथड काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा जो अपने कंट्रोल वगैरह रिसेट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आपको रशिया से कनेक्ट कर लेना। रशिया से कनेक्ट करने के बाद गाइस एक और स्टेप आपको बीच में करना होगा, अगर वो स्टेप नहीं करोगे तो आपका गेम मतलब नहीं खुलेगा। गेम खोलने से पहले ना मैं आपको बता देता हूँ क्या स्टेप है, ठीक है। गेम को खोलने से पहले अपनी सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद जहाँ पर आपकी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है वहाँ पर ऐप मैनेजर में जाइए, या आपके अलग अलग फोन के पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं 3 VPN के लिंक इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि कोई एंड्रॉइड 10 में वर्क करेगा, कोई 9 में, तो मतलब 3 VPN आप ट्राई कर लेना, वैसे काम भी आएंगे आप सभी के। तो गूगल प्ले स्टोर और मतलब जो इसकी सेटिंग होती है ना गूगल प्ले स्टोर की सेटिंग वगैरह, तो उसकी क्लियर डाटा कर दीजिए, ठीक है। डाटा क्लियर करने के बाद आप दोबारा प्ले स्टोर ओपन कीजिए और वहां पर पबजी मोबाइल लाइट सिंपली सर्च कर लीजिए। और हाँ गाइस, सर्च करते टाइम अपनी ईमेल चेंज कर लेना, ठीक है, मतलब ईमेल बार बार चेंज करके देख लेना, क्योंकि 2-3 जीमेल आप यूज करते होंगे अपने फोन में, तो वो चेंज करके देख लेना। देखिए सबसे पहले भी मैंने नहीं आया था तो मैंने दूसरी चेंज की। अब यहां पर कोई भी अपडेट अभी तक मतलब प्ले स्टोर पर नहीं आया, इसका मतलब अभी तक तो अपडेट नहीं आया, ठीक है, मतलब आज शाम या फिर कल तक आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो कल तक या फिर आज शाम तक वेट कर लेना, इस मेथड को यूज बीच में करके देखते रहना। इसमें कोई ज्यादा एमबी वेस्ट नहीं होगी, ज्यादा एमबी वेस्ट होगा आपको सिर्फ वीपीएन डाउनलोड करने में, ज्यादा 20-30 एमबी लग जाएंगे, ठीक है। तो वीपीएन ही आप इंस्टॉल कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहां से नहीं होता है तो आप एपीके प्योर से लास्ट होप आपकी एपीके प्योर से तब करना। लेकिन मैंने वर्जन वगैरह चेक किया, अभी तो एपीके प्योर भी आई थिंक नहीं आया है, ठीक है। तो जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मतलब, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी जिसमें काफी ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी, कंट्रोल वगैरह रिसेट आपके नहीं होंगे। तो भाई फिलहाल शुरू में इतना ही, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लीजिए, प्लस वहां पर ना टैग कर देना, स्टोरी में मेंशन कर देना कि आपको प्रॉब्लम ये आ रही है, तो मैं वहां से देख लूंगा, ठीक है। क्योंकि रिप्लाई देना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, काफी सारे बंदे मतलब मैसेज वगैरह करते हैं, तो इससे अच्छा आप स्टोरी टैग कर देना, मैं ज्यादातर देख लेता हूं और मतलब ऐड भी कर देता हूं स्टोरी में, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।